क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जैसा ओशिन ने कहा था कि नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो इस बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें करना क्या था आपको पता है ना, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो मतलब कि इसका फैक्टराइजेशन करना है, वो भी कैसा वाला, प्राइम वाला। तो आपको सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए बस, ओके, और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। और प्राइम नंबर याद है ना आपको, वैसे नंबर जो केवल एक और खुद से डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एटसेट्रा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लीजिए, 637 है। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कीजिएगा, मतलब आपको बस प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो देखिए, 2 से तो हो नहीं से रहा है, 3 से भी नहीं होगा, और 3 के बाद 5 है तो 5 से भी नहीं होगा। देन 7 से हमने कोशिश की तो 7 से हो गया, 7, 9, 63 एंड 7, 1, 7। ओके, अगेन 91 केवल 7 से ही होगा, आप चेक कर सकते हैं, 2, 3, 5 किसी से नहीं हो गई। तो अब ऐसे 13 आने के बाद तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है ना। तो 637 को आप लिख सकते हो 7 × 7 × 13, सिंपल, इट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 637, क्योंकि 7, 7, 13 सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। अंडरस्टूड, यही है, सेम प्रोसेस 6 नंबर के साथ है। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो, जिनको दिक्कत भी था होगा तो ठीक है। तो 5 और 6 बना लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.5। ओके, देखिए 3.5 इसमें कॉमन फैक्टर मेथड है। सबसे पहला आपको एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इनके फैक्टर्स ऐसे जो कॉमन हो, मतलब जो दोनों के पास हो, लेकिन कैसे हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़े। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 18 एंड 48, इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, मतलब कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन है, मतलब जो दोनों के पास है 18 और 48 के पास, लेकिन जो हाईएस्ट है, मतलब कि सबसे बड़ा है। तो देखिए, 18 के फैक्टर्स मैंने सबसे पहले लिखे 1, 2, 3, 6, 9, 18 फैक्टर, आपको तो याद है ना कि जो जिस नंबर से डिवाइड होते हैं वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो उसी तरह 48 के हमने लिखे, आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं याद करके, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। अब इसमें से आपको कॉमन को पिक आउट करना है, कॉमन कौन कौन है जो दोनों के पास है। ओके, क्योंकि फैक्टर वाला काम हमने कर लिया, आप कॉमन ढूंढते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके अलावा कुछ है नहीं जो कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हो चुका, अब हाईएस्ट ढूंढना है। 1, 2, 3 और 6 में बड़ा कौन है, तो 6, ऑब्वियसली 6 होगा। देन आपको ऐसे लिखने हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज, एचसीएफ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना उसको पढ़ते हैं, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 इक्वल टू 6। ओके, तो ये आपका आंसर है, ऐसे ही आपको करने हैं।